राम राम दोस्तों, क्या हालचाल है। तो दोस्तों विंटर चल रही है और आज मेरे पास है आपके लिए कई सारे विंटर गैजेट्स। तो एक एक करके सारे गैजेट्स को देखेंगे और देखेंगे भाई कितने काम के हैं और कितने काम के नहीं हैं। सो फटाफट इनकी करेंगे अनबॉक्सिंग। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर। दोस्तों जो भी प्रोडक्ट मैं रिव्यू करता हूँ उसमें से कई सारे प्रोडक्ट मैं रीसेल करता हूँ अपने ऑनलाइन स्टोर पर। मेरे ऑनलाइन स्टोर की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले है ये पोर्टेबल रूम हीटर। बॉक्स के अंदर आपको इस तरह का रूम हीटर मिलता है, इसके साथ आपको इस तरह का रिमोट भी मिलता है। भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी तो बढ़िया है, आगे यहाँ पर मेटल ग्रिल लगी हुई है और इसका डिजाइन भी काफी कॉम्पैक्ट है। यहाँ साइड में एक पावर ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है, ऊपर यहाँ हमें छोटी सी एलईडी स्क्रीन दी हुई है और यहाँ पर प्लस और माइनस के बटन है जिससे आप टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो। मैक्स इसमें आप 32 डिग्री सेल्सियस तक सेट कर सकते हो। स्पीड बटन से दो स्पीड मोड मिल जाते हैं, लो एंड हाई। इसके बाद यहाँ पर टाइमर का बटन है तो आप 1 से लेकर 12 घंटे तक का टाइमर सेट कर सकते हो और जैसे ही टाइम खत्म होगा ये ऑटो शट ऑफ हो जाएगा। बाकी इसका ये रिमोट है तो ये सारी की सारी सेटिंग्स आप इस रिमोट से भी कर सकते हो। जब आप इस हीटर के एकदम पास बैठते हो तब तो ये अच्छे से हीट करता है, लेकिन जैसे ही आप इसे थोड़ा सा दूर जाओगे इसकी हीटिंग एकदम डाउन हो जाती है। अगर आप सोच रहे हो कि आप इसको अपने रूम में लगा दोगे और ये पूरा रूम हीट अप कर देगा तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उस पर्पस के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। इसका जो बेस्ट यूज मुझे समझ में आ रहा है, एक तो है कि भाई इसको लगा के एकदम इसके पास बैठ जाओ, दूसरा इसका यूज है अगर आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो तो बैग में डाल के इसको ले जाओ और जहां पर भी इसको यूज करना है वहां कर सकते हो। 700 रुपए इसकी प्राइस है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, बाकी पूरा रूम हीट करने के लिए यूज नहीं होगा। दोस्तों हमारा दूसरा प्रोडक्ट है ये वियरेबल नेक हीटर। ये बैटरी से ऑपरेट होता है और 6 आवर्स का ये बैटरी बैकअप देता है। बॉक्स के अंदर हमें एक मैनुअल मिलता है, एक इस तरह की टाइप सी चार्जिंग केबल मिलती है और इस तरह का हमें नेक बैंड मिलता है। यहाँ राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन लगा हुआ है, जैसे आप इसको ऑन करोगे तो इसके साइड में इस तरह की 4 लाइट इंडिकेटर लगे हुए हैं जो इसकी 4 हीटिंग सेटिंग्स हैं। तो आपको एक बार प्रेस करना है और आप इन हीटिंग सेटिंग्स को बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, तो जैसी भी आपकी नीड है उसके हिसाब से आप हीटिंग सेटिंग्स रख सकते हो। इसके बैक साइड में यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, इसको ऑन करके कुछ इस तरह से अपनी नेक में पहन लेना है। और भाई ये गर्म तो बढ़िया कर रहा है यार, अभी जस्ट मैंने इसको ऑन किया है और काफी अच्छी हीट कर रहा है। अच्छा इसका जो मेजर यूज है वो होता है जब आप आउटडोर जाते हो, सपोज आप किसी हिल एरिया में जा रहे हो जहाँ स्नोफॉल वगैरह हो रहा है, इसको आप पहने रहोगे ये आपकी नेक को अच्छे से वार्म रखेगा जिससे आपकी पूरी बॉडी वार्म रहेगी और आपको ठंड वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ये काफी लाइट वेट है तो जब भी आप इसको वियर करोगे आपको हैवीनेस फील नहीं होगी। अच्छा इसका बैटरी बैकअप 6 घंटे का है, बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सेटिंग पर इसको यूज कर रहे हो। अगर आप हाईएस्ट लेवल पर इसको यूज करोगे तो आपको 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, अगर आप इसको सेकंड या फर्स्ट लेवल पर यूज करोगे तो आपको 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। इस नेकबैंड की प्राइस है 1200 रुपए, जो मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगी। अगर यही नेकबैंड हमें 800 या 900 का मिलता तो ज्यादा बेटर रहता। दोस्तों हमारा अगला प्रोडक्ट है ये सेल्फ हीटिंग वार्मर। इसके अंदर हमें कुछ इस तरह का पाउच मिलता है, इसके अंदर कुछ मटेरियल भरा हुआ है। भाई इसके अंदर है आयरन, सॉल्ट, वाटर, एक्टिवेटेड कार्बन, मॉइस्चर एब्जॉर्बर, तो कई सारी चीजें इसके अंदर भरी हुई है। इसको यूज करने के लिए आपको इसको अच्छे से 5 से 10 सेकंड के लिए सेक करना है जिससे इसके अंदर जो भी मटेरियल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको 15 से 20 मिनट के लिए अपने क्लॉथ के अंदर रख लेना है जिससे जो इसका टेम्परेचर है वो इसके मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा। उसके बाद आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो अगले 8 घंटे के लिए। तो मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है और भाई ये अच्छा खासा गर्म कर रहा है, तो अगले आने वाले 8 घंटे तक ये गर्म रहेगा इसी तरह से और मैं इसको यूज कर पाऊंगा। 5 का मैंने पैक मंगाया था और ये मुझे पड़ा था करीब करीब 600 रुपए का, तो उसके हिसाब से ये काफी कॉस्टली है क्योंकि ये सिर्फ 1 टाइम यूज के लिए है। एक बार आपने इसको एक्टिवेट कर लिया और 8 घंटे यूज कर लिया उसके बाद आपको इसको फेंकना पड़ेगा, तो ये कॉस्टली तो बहुत है और आप विंटर में डे टू डे यूज में इसको यूज नहीं कर पाओगे। इसका जो बेस्ट यूज मुझे समझ में आ रहा है वो है कि सपोज आप कहीं ट्रैकिंग पे जा रहे हो या किसी ऐसे रिमोट एरिया में जा रहे हो जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी या आपको ठंड से बचने की दूसरी चीजें नहीं मिलेंगी, उस टाइम पे ये बड़ा ही यूज आएगा। तो ये 8 घंटे तक आपको वार्म करके रखेगा, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। दोस्तों हमारा अगला गैजेट है ये लिंट रिमूवर। तो विंटर में आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपका स्वेटर होता है या जो आपकी जैकेट होती है उस पर ढेर सारे लिंट पड़ जाते हैं और वो काफी गंदा दिखने लगता है, तो उसी का सोल्यूशन है ये अगारो का लिंट रिमूवर। इसके बॉक्स के अंदर हमें इस तरह का मैनुअल मिलता है, इस तरह की एक चार्जिंग केबल मिल जाती है और क्लीनिंग के लिए इस तरह का एक ब्रश मिलता है। और भाई ये रहा हमारा लिंट क्लीनर। आगे यहाँ पर इस तरह का एक कवर लगा हुआ है, यहाँ राइट साइड में पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, फ्रंट में यहाँ पर लिंट स्टोरेज बॉक्स मिलता है और अगर आप ये वाला बटन प्रेस करोगे तो ये जो स्टोरेज है ये बाहर निकल आता है, तो जो भी लिंट होगी वो सारी सारी लिंट इसमें इकट्ठा हो जाएगी। तो चलो अब इसको फटाफट टेस्ट
कर लेते हैं। तो मेरे पास एक स्वेटर है जिसमें काफी लिंट आई हुई है, तो हम रिमूव करके देखेंगे किस तरह से ये काम करता है। तो मैं आपको दोनों ही तरह से दिखाऊंगा, बिफोर एंड आफ्टर। तो हम एक साइड की स्लीव का लिंट रिमूव कर देंगे और एक साइड का रहने देंगे, जिससे आपको परफेक्टली अंदाजा लग जाएगा। और भाई इसने लिंट को काफी अच्छे से रिमूव कर दिया, आप देख सकते हो एक साइड की स्लीव पर लिंट अच्छे से क्लीन हो गई है। अच्छा, इसको सिंगल चार्ज कर लोगे एक बार तो ये पूरे एक घंटे का बैटरी बैकअप देगा। इसकी प्राइस है 1200 रुपए, ये अगारो ब्रांड की तरफ से है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। अगर आपको चाहिए कोई सस्ता लिंट क्लीनर तो दो चार अच्छे से प्रोडक्ट छांट के मैं उनकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों हमारा लास्ट प्रोडक्ट है ये इलेक्ट्रिक बेड वार्मर, और आप यकीन मानो ये बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। मैं खुद इसको यूज कर रहा हूँ पिछले एक महीने से। सिंगल बेड के लिए है और इसको आपको अपनी बेड शीट के नीचे बिछा लेना है। इसमें हमें टोटल 1.5 मीटर की वायर मिलती है और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का कंट्रोलर मिलता है। यहाँ से आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हो और इसके अंदर हमें 3 हीट सेटिंग मिल जाती है, जिनको आप एनवायरमेंट में कितनी ठंड है उसके हिसाब से सेट कर सकते हो। इसका जो फैब्रिक है वो हीट प्रोटेक्शन के साथ आता है, तो इससे आपकी स्किन को किसी भी तरह का कोई बर्न नहीं होगा। इसके अलावा 12 आवर का इसमें ऑटो शट ऑफ भी है, तो 12 घंटे बाद ही अपने आप बंद हो जाएगा। 1800 रुपए इसकी प्राइस है, इसकी लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर लेना। बट यकीन मानो ये वर्थ करता है 1800 रुपए में। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से विंटर गैजेट्स का वीडियो, कैसा लगा फटाफट कमेंट करके बताओ। और अगर आप चाहते हो इसी तरह के मल्टीपल गैजेट्स को हम कवर करें सिंगल वीडियो में कैटेगरी वाइज, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई आप देखना क्या चाहते हो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर। दोस्तों जो भी प्रोडक्ट मैं रिव्यू करता हूँ उसमें से कई सारे प्रोडक्ट मैं रीसेल करता हूँ अपने ऑनलाइन स्टोर पर, मेरे ऑनलाइन स्टोर की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए दोस्तों अब लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। दोस्तों अगर आप मेरे ब्लॉग देखने में इंटरेस्टेड हो तो विजिट करो मेरा ब्लॉग चैनल मानसी सेल ब्लॉग्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर